हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ब्लू टी के बारे में सुना है? आई एम श्योर आप में से बहुतों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ब्लू टी एक तरह का चाय होता है जो हम अपराजिता के फूलों से बनाते हैं। अपराजिता के फूलों को हम इंग्लिश में बटरफ्लाई पी फ्लावर भी कहते हैं। इंडिया में ये फूल बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में आसानी से मिल जाता है ये फूल। मैं बताऊँगी कि मैंने इसे कब ट्राई किया, कैसे ट्राई किया। तो एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम अपराजिता के फूलों का चाय ट्राई करो, क्योंकि मेरे घर में इसका प्लांट अवेलेबल है, मेरे घर में इसका प्लांट है। जब उसने ये देखा तो उसने बोला कि जब इस प्लांट इस फूल से इतने बेनिफिट्स हैं, इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, 50 से भी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होंगे, तो तुम क्यों नहीं इसका चाय ट्राई करती हो। मैंने भी जब ये सुना तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसके बारे में सर्च किया जाए। मैंने भी रिसर्च किया और मुझे भी पता चला कि इसका बहुत सारे उपयोग होते हैं। यहाँ तक कि हमारे आयुर्वेद में भी ब्लू टी का बहुत उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि अपराजिता के फूलों का बहुत उपयोग किया जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इसका चाय पीना शुरू किया। जब 3-4 दिन मैंने इस चाय को पिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिन भर की जो मेरी थकान होती है वो इससे दूर होने लगी। मूड बहुत ही अच्छा लगने लगा, लाइट फील होने लगा, अच्छा फील होने लगा। या तब मुझे फील हुआ ये ज़रूर स्ट्रेस को बर्स्ट करता है। मैंने 1 वीक के बाद नोटिस किया कि मेरे फेस पे भी कुछ ग्लो आया है। मैं इस चाय को दिन में एक बार ही ट्राई करती हूँ, एक बार ही लेती हूँ। मेरी फ्रेंड जिसने मुझे सजेस्ट किया था वो सुबह और शाम 2 बार इस चाय को लेती है। उसने एक्चुअली में वेट लॉस के लिए इस चाय को पीना शुरू किया था और उसे अपने वेट लॉस में बहुत ज़्यादा उसे बेनिफिट हुआ है, यहाँ तक कि उसे इंच लॉस भी हुआ है। ये चाय पीते हुए मुझे 2 वीक से ज़्यादा नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चाय को बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 4 अपराजिता के फूल लिए हैं। अब मैं इनसे टी बनाने जा रही हूँ। मैंने एक सॉस पैन में 1 ग्लास वाटर में 4 फूल डालकर उन्हें 2 मिनट तक बॉयल कर लिया है। अब हमारी चाय बन चुकी है, हमारी टी रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हुआ है, कैसे ब्लू कलर इस चाय का हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी कि लेमन डालने के बाद इस टी में क्या चेंजेस आते हैं, इसका कलर कैसा हो जाता है। जैसे ही हम लेमन डालते हैं इसका कलर डीप ब्लू हो जाता है। सी किस टी का कलर कैसे डीप ब्लू हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जितना ब्यूटीफुल लग रहा है टी, उतना ही ये फ़ायदेमंद है, उतने ही इसके बेनिफिट्स हैं। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपराजिता के फूलों से बनी चाय के बेनिफिट्स बताऊंगी। अगर आप इस चाय को आप यूज़ में लाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला बेनिफिट है कि ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है और स्किन में ग्लो लाता है। सेकेंड है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। थर्ड है, ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, यहाँ तक कि वेट लॉस और इंच लॉस जो चाहते हैं वो इस चाय को 2 समय ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जो लोग भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इस चाय को रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। और नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि एंटी कैंसर एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसमें। नेक्स्ट है, ये हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी ये दूर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, यहाँ तक कि जिसे ये फीवर होता है वो भी इस चाय को अपने उपयोग में ला सकता है। ये बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके बेनिफिट्स। आई एम श्योर आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा कि ये चाय जो हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने बदलाव ला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस चाय को उपयोग में लाएं और इसके बेनिफिट्स अपने आप पर देख सकते हैं। अगर ये आपको फूल आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो आप इसे ऑनलाइन भी आप इसे ख़रीद सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी इस चाय को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कीजिए और इसके फ़ायदे आप ज़रूर देखेंगे। Thanks for watching.